वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ अपने मौसी के लड़के की शादी में, मौसी के लड़के की शादी में। और मैं बता दूँ कि मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे और मेरे वहाँ से मम्मी पापा वहाँ पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ में। नहीं जा रहे? अच्छा, तो की छुट्टी नहीं मिल पा रही है क्योंकि 26 तारीख की शादी है, आज जो है 25 तारीख है और आज ही मेरा बर्थडे है जो कि सब घर वालों ने कल सेलिब्रेट कर दिया 12 बजे रात। हमारी शादी है 26 तारीख की, तो 26 को है मंडे और फिर हम आ नहीं पाते, तो 26-27 वही दो दिन की छुट्टी लेना मुश्किल था, तो इसलिए नहीं जा रहा है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए मैं अकेली जा। तो मैं लग रही हूँ कुछ इस प्रकार। मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड और मेरी छोटी मामी की लड़की और थैंक यू। हेलो, थैंक यू। मैं व्लॉग बना रही हूँ। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। चलो क्या पिंपल हो रहे। चलो 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 चलो, आराम से जाना बाय। तो हम निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए। तो हम पहुंच गए हैं सुखदेव। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद हम इससे आगे निकलते हैं। देखो अरे मुझे थोड़ा कम जाए कैसे। खाना हो गया है ख़त्म और बहुत ही मज़ा आया, अब हम निकल रहे हैं। सही बात है। तो हम निकल गए हैं मुरथल से, आप देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम? टाइम दिखाओ टाइम। 1:35। 1:35 हो गए हैं, तो अभी हम मुरथल से निकल गए हैं यहाँ से, देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। तो खाने की कोई कमी नहीं है गाइस, और हम पहुंचने वाले हैं 1-2 घंटे में, तो सब चीज़ है हमारे पास, खा पी के सब वैसे ही इशाला रखा है इधर उधर, खूब सारे थैले भर चुके हैं इधर, तो इसमें भी है काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ। और कुछ मैंने यहाँ गिर भी खाया, घर से है नहीं तो? हाँ, घर से भी बना रखे लाए हैं। अभी हमने मुरथल पे भी खाया था और इसमें भी है चॉकलेट वगैरह, तो सामान एकदम फुल है। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमें ट्रैफिक मिला है, ये भी ज़्यादा नहीं है, तो अब पहुँचने वाले हैं, फिर मिलते हैं।
गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं अंदर से, खेतों के अंदरों से, तो टू मच जाम यार। और ये साइड में जो जा रही है ये क्या है? ये नदी नदी सी दिख रही है, दिख रही है नदी। और बहुत इस मतलब अभी जाम नहीं होता तो हम चंडीगढ़ पहुंच जाते। अभी हम अम्बाला के आसपास है उनके खेतों में, और यहाँ पे सिंगल रोड है। ये देखो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी निकल रही है ऐसी उस पर। जो ड्राइविंग मास्टर है जो हमारी, वो एकदम परफेक्ट है, और कहीं से भी गाड़ी ऐसे मतलब लेके आ रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा है हम लोगों को। तो अब निकल चुकी है गाड़ी और हमने पार कर लिया ये। ये देखिए ये नाला नदी कुछ भी बोल सकते हैं, नाला तो नहीं है वैसे, पर जो भी है बड़ा ही अजीब है। तो देखिए आप, तो ये देखो, और ये जाम तो अब मतलब निकल ही रही है गाड़ी। मुझे तो दूर दूर तक जाम लग रहा है, जाम से निकल तो रहा है। कहाँ तक वो देखो, वहाँ दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां निकल रही हैं। तो ये देखो, और इधर से जो आ रहे हैं इस साइड, ये गाड़ियां हिल भी नहीं रही हैं, तो पता नहीं आने का तो, पर जाने का तो कह रही है। खेत अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ। तो खेत बहुत ही अच्छे हैं, हरियाली सी लगी पड़ी है, बस हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। जैसे आगे वाले निकाल रहे हैं, अंकल भैया जो भी है। तो आप देख रहे हो ये चीज मतलब यहाँ पर कैसे हो रहा है और कितना। ये देखो, और ये आपको दिख रहा होगा पूरा जाम जो है, ये आगे से ऐसे लगी पड़ी हैं गाड़ियां, तो ऐसे जा रहे हैं। टू मच वेरी धूल। ये पीछे वाला बहुत, पर क्या कर सकते हैं, पीछे वाले भी कोई गलती नहीं है। खेतों की हरियाली नहीं है, एक तरफ हरियाली है और एक तरफ घर वाली। ये देखो अब बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। क्या बात है। ये लोग खींचो फोटो। तो गाइज यहाँ पे जाम है, और इतना जाम है कि हम हरियाली के बीच में जाके फोटो भी खिंचा सकते हैं, पर जो कि हम जाएंगे नहीं बाहर। तो पूरे बाहर की देखते हैं। चलो एक वैसे लेना, पोर्ट्रेट मोड में भी वर्टिकल मोड है तो चलो ठीक है। हाँ जहाँ हमें मैप भी नहीं बता पा रहा कि हमें आगे कहाँ जाना है, और ये जो रोड है वो पहाड़ों से भी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर को इस लड़की की दाद देनी पड़ेगी, बस दाद दे देंगे हम। रास्ता खुली है ना, मैप भी यहाँ आके रुक गया ना, हमें पता नहीं। पूरा मामला खत्म हो गया, देखो रोड पे कैसे आते हैं। क्या हम चंडीगढ़ जा पाएंगे ये देखने के लिए आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। हम चंडीगढ़ पहुंच पाते हैं, आप शेर देख सकते हैं, ये देखिए अगर आपको नजर आ रहे हैं शेर है, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। और अंबाला में मिला हमें शेर, और ये देखिए गाइस आप देख सकते हो बड़े से मतलब क्या हालत है। आप देख सकते हो कि हम कैसे घर के जा रहे हैं, और देखो बहुत डस्ट भी है यहाँ पे क्योंकि अंदर ही अंदर है। और आप देखिए गन्ने के पेड़ इतने बड़े बड़े, तो एक निकालने की सोच तो रहे हैं हम,
तो देखते हैं कि हम निकाल पाते हैं नहीं। ये देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो हम घर के बाहर पहुंच गए हैं और जो हमारी गाड़ी है वो लगेगी साइड में। तो अभी पापा आ रहे हैं, पर्स, तो उसके बाद हम गाड़ी लगाएंगे। पर्स ले लो, तब मैं आपको दिखाती हूँ घर जाकर। कौन सी गली में आएंगे वो, पीछे तो नहीं आएंगे? बताने अब जो भी है, पीछे आ गया गाड़ी तो। बोलो कार वॉश के पास खड़े हैं। कहाँ है कार वॉश? हाँ घर आ गया। पापा को पहुंच गए यहाँ पर, पार्किंग का देख रहे हैं, पार्किंग की जगह ही नहीं। तो गाइस ये है मेरे पापा।